क्लास 9 हमने आप लोगों को द साउंड ऑफ म्यूजिक कहाँ शुरू कर दिया था। इधर भी तीन से आप लोगों की गाइड परीक्षा टेस्ट जो है उसका निकाल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट था द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन एवरी मीनिंग लिसन साउंड विदाउट हियरिंग एंड इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर आई हैव टोल्ड ऑल ऑफ यू हाउ द एवरी क्लियरिंग टू हर सेल्फ विदाउट हियरिंग दैट सीरियस ईयर सी प्रूव हिमसेल्फ दैट देयर इज नो इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ सो देयर इज नो नीड टू बी द एनी फिगरल डिसेबिलिटीज एंड हाउ मच यू आर डिसेबल्ड फ्रॉम द फिजिकल दैट्स नॉट बी द ऑब्स्ट्रक्शन टू आवर एनीथिंग आवर लर्निंग। वो बताती है कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं कुछ कर दिन की चाहत आपके अंदर हो तो जीवन में आने वाली कोई भी बाधा आपका मार्ग रोक नहीं सकती है उस चीज़ को करने से और पाने से। और यहाँ पर एवं को एक एग्जाम्पल बन सकते हैं जिनको कानों से सुनाई नहीं देता है फिर भी वो एक ऐसा संगीत का जादू एक ऐसा वाद्य को ऐसा संगीत करती है उसमें इतना नाम यश और शोहरत कमाती है जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी मुश्किल एवरी प्रूव हर बिफोर द हैंडीकैप्ड चैलेंज एंड द कॉमन पीपल हर काम सा एंड मोटिवेट देम आप उन सब लोगों को मोटिवेट करती है प्रेरित करती है कि वो भी उन्हें देखें और उदाहरण के तौर पर लें। मैंने आप लोगों को 8 पैराग्राफ पढ़ा दिया है आपको नवा था क्वेश्चन नाउ कॉम्पिटिशन ऑफ द पार्ट 1 आप अपनी किताब में देखेंगे एवरी कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्क होली आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क आफ्टर ऑफ ए हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवरी ऑल्सो गिव्स प्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन एंड रिचिंग ऑफ द विथोपियन फंड फॉर डीप चिल्ड्रेन से सी इज साइन इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रेन दे सी दैट There is now here that they cannot go. Every confesses that. Every is baat ko swikar karti hai aur ye baat karti hai. She is something of workaholic. Workaholic matlab ek vyakti jo kaam ke liye bada hi chuji ho. A person who always involved himself into the work and work and work and only work. Ek vyakti jo apne aap ko kaam mein apne aap ko khol ke jhonk deta hai, ise bolte hain workaholic. Workaholic, I have just got to work. मैं पैदा ही हुई हूँ काम करने या मैं काम करना ही चाहता हूँ संगीतकार होते उनसे भी ज्यादा कठिन परिश्रम मुझे करना पड़ता है। शास्त्रीय संगीत जो राघव क्लासिकल जो तबला बजाना सितार बजाना ढोलक बजाना बांसुरी बजाना ये सारे क्लासिकल उनकी तरह कठिन मेहनत करो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट का संगीत समारोह के अलावा अगर मुझे समय मिला तो मैं कठिन परिश्रम करूँगी। एवरी आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट और एवरी गायक फ्री कंसर्ट मतलब बिना पैसे का भी संगीत समारोह या संगीत का आयोजन किया करती थी क्यों इन प्रिजन कारागारों की मतलब कैदियों के ढूंढने के लिए या उन्हें जीवन प्रति सही मार्गदर्शन के लिए या जीवन में देखिए मैं अक्षम हूँ मैं इस चीज़ को एक सही मार्ग के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है ईश्वर है तो आप इस चीज़ को छोड़िए एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों वो अस्पतालों में और कारागारों में फ्री में कंसल्ट करती थी लोगों को मदद एंड सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस एंड सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी वो बहुत ही अधिक प्रियॉरिटी देती थी मतलब उपयोगिता देती थी या तवज्जो देती थी द क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन नौजवान संगीतकारों या नौजवान मतलब जो नए नए सीखने वाले होते थे उनको ज़्यादा प्रियॉरिटी देती थी प्रिफ्रेंस देती थी तो उनको मौका देती थी या तवज्जो देती थी क्योंकि वो जानती थी कि जो उनके साथ का बींग एज अ सुपर टैलेंटेड गर्ल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिशियन सी हैज टू फेस मेनी काइंड्स ऑफ द चैलेंजेस बिकॉज ऑफ बींग अ हैंडीकैप्ड गर्ल क्योंकि उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था तो चाहती थी और जो है टोलियन उनको ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े और उनको प्रतिभा का सम्मान मिले से एंड रेक्टिंग ऑफ द विथोपियन फंड कहते हैं एक व्यक्ति का नाम है जिसमें विथोपियन फंड संस्था का नाम है फॉर डीप चिल्ड्रेन से जो उन्हें
द्वारा बच्चों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। उस संस्था के लोगों ने कहा आप साइनिंग इंस्पिरेशन एक चमकती हुई प्रतिभा प्रेरणा है उन सभी भूखे गौरव और चैलेंज बच्चों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को हीन मान लिया है अपने शरीर की उस क्षमता के कारण। अगर आप उनके सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करें तो आप उनके लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। वो आपको देखकर मोटिवेट हो गए, वो कहेंगे वी आर आल्सो बी द पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट ग्रेट सक्सेस। हम बन सकते हैं थोड़ी सफलता के शानी बन सकते हैं। उनके लिए एग्जाम्पल एंड इज द साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन हमारे बच्चों के एंड दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट दे सी दैट वो ये देख सकते हैं या समझ सकते हैं नाउ हियर दैट दे कैन नॉट ऐसा कुछ नहीं जिसे छोड़ा जा सकता है या ऐसा कुछ नहीं जो कर नहीं सकते अगर वो चाहे तो वो कुछ कर सकते। लास्ट कंक्लूजन का एवरी क्लेरी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोर पीपल बाय सर्वे तथा एवरी क्लेरी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड एवरी क्लेरी ने वो सब कुछ पूरा कर दिया पूरा कर लिया मोर देन मोस्ट उन सब लोगों की अपेक्षा ट्वाइस सर्वे अपनी एज की दुगना वे लोग जो अपनी उम्र में बहुत कुछ पा लिए थे उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से उन सब लोगों से दुगना प्राप्त किया। 17 साल की उम्र में उन्होंने जो प्रसिद्धि कीर्ति यश और अवार्ड प्राप्त किया था वो अच्छे से अच्छे लोगों को काम नहीं प्राप्त नहीं। सी हैज ब्रॉट परकुशन सी हैज ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ब्रॉट परकुशन मतलब होता है तबला, वो ऑर्केस्ट्रा के सामने तबला बजाया करती थी एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग और वो ये बताना चाहती थी इट कैन बी वेरी मूविंग यह संगीत बहुत ही संचारमान सचल मतलब संगीत को केवल बजाया सुना नहीं जा सकता बट इट कैन बी फीटेड ऑल्सो। एंड सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज वो ऐसे लोगों को प्रेरणा देती हु आर हैंडीकैप जो अक्षम जो शारीरिक रूप से अक्षम पीपल हु लुक टू हर एंड से जो लोग निकले देखा करते थे इफ सी कैन डू इट अगर वो ऐसा कर सकती है सो आई कैन तो मैं भी ऐसा कर सकती बिकॉज अ बीइंग हैंडीकैप्ड अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू हियर बट इज वाज हियर एंड एबल टू मोबिलेट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द म्यूजिक एंड आई वाज एबल टू डू द फुल ऑफ कंप्लीट बॉडी सो हाउ कैन आई तो मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता ये देख कर मैं मोटिवेटेड एंड नॉट द लिस्ट सी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मी और इसके बल पर उन्होंने लोगों को दिया बहुत ज़्यादा आनंद अपने संगीत के द्वारा उन्होंने लोगों को प्रेरणा तो दिया ही दिया उसके साथ उन्होंने अपने संगीत के जानने से लोगों को सुना इस तरह से आपका पाठ समाप्त होता है और इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन उन्होंने आपसे कर थैंक यू।